आज है हम लोगों का दिल्ली में दूसरा दिन और अभी मैं और अर्पित आए हैं सुबह सुबह दूध लेने और कल रुके थे हम लोग अमूल के यहाँ और अभी सुबह हम लोग आ गए हैं समर के यहाँ। तो पहले पहले कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है, और कॉफ़ी पीने के बाद बताते हैं स्टोरी कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या भाई सरप्राइज़ है? तो दद्दू रहता है, दद्दू नहीं यार, समर बोलना पड़ेगा, नहीं गुस्सा हो जाएगा। समर जो है वो रहता है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास। कौन सा वो बता रहा था ये क्या था यार, ये बंगला साहिब के पास रहता है ना, और उसके थोड़ी घर से, उसके क्वार्टर से थोड़ा ही दूर है अपना ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हम लोग वॉक करते हुए आए थे भाई। कॉफ़ी वॉफ़ी बन गई है, पी चुके हैं कॉफ़ी, और समर को इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कॉफ़ी में कि वो बोल रहा फिर से बनाना। भाई बता कैसी लगी तेरे को कॉफ़ी? बहुत बढ़िया, सही थी, बहुत बढ़िया, ऑसम। मेरे बोलने पे तो नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं तो ये है मेरा भाई समर और मैं दिल्ली में इसके रूम पे हूँ और हम लोग आए हैं। मैं किस लिए आया हूँ भाई बता दे थोड़ा। शॉपिंग करने आया है, लेदर जैकेट, शूज और बाइक लेने आए हैं। बाइक मेरे लिए, मेरा ऑर्डर सब कम्प्लीट हो चुके थे वेडिंग के, अभी बीच में थोड़ा 4-5 दिन का गैप था तो घर पे बैठे बैठे कुछ काम था नहीं तो मैं दिल्ली आ गया क्योंकि मुझे लेदर जैकेट लेनी है। लास्ट ईयर मैंने एक लेदर जैकेट ली थी जैक एंड जोन से जो कि मेरा चूतिया काट गया है ना, वो जैकेट घर पे टंगे टंगे ही उसकी पपड़ी निकल गई तो वो लेदर जैकेट नहीं थी। मैं दिल्ली आया हूँ रियल लेदर जैकेट लेने। तो समर आज जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आज जाएंगे और ब्लैक जैकेट। और हमारे एक और भाई जी हैं, मैं कैमरा दिखाता हूँ, मास्टर शेफ। तो ये किचन में लगे हुए हम लोग के लिए खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे भैया? बैगन का भरता। बैगन का भरता ये देखो, और ये एकदम लजीजदार बैगन का भरता तैयार है और ये सो रहा है ये आलसी इंसान। अभी तेरा हर व्लॉग में भाई, मेरे को अभी नोटिस हुआ, तू हर व्लॉग में बस यही करता है बे। क्या यही ऐसी मुंडी घुसा है तू, सोता रहता है भाई। राइडिंग वाले व्लॉग में भी तेरा यही काम था। आप उस टाइम व्लॉग क्यों बनाते हो जब मेरे को सोना रहता है? बस तू रोता रहता है और सोता रहता है। इस बंदे का और कोई काम नहीं है, इसको आप लोग जानते होंगे, इसकी गाड़ियां भी पंचर होती हैं, ये हमेशा रोता रहता है व्लॉग में, लेट भी होता है, तो इसका और कोई काम नहीं है। तू क्यों आया भाई दिल्ली? मैं तो काम से आया हूँ, तू किस लिए आया था? मैं भी काम से आया हूँ। क्या काम से आया है? और काम बाहर है। तो भाई अर्पित आया है दिल्ली बाइक लेने के लिए। तो बाइक का सीन अर्पित क्या कैसा था? बाइक का चलो पहले आपको बाइक दिखाते हैं कौन सी बाइक ली है अर्पित ने, और उसके बाद फिर बताते हैं कि कहां से कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे लेने आए। ये खड़ी है अर्पित की बाइक। स्कूटी तो नहीं है ना? नहीं यार। ठीक है बताओ। हाँ तो भाई स्टोरी ये है कि एक आर्मी वाला बंदा था जिसकी पोस्टिंग जबलपुर में थी, उसने वहां से खरीदी थी ड्यूक 390 और फिर उसकी पोस्टिंग हो गई दिल्ली में, और अर्पित ने अपनी बाइक पुरानी बेच दी थी। इसका काम ही है बाइक खरीदना बेचना और कुछ राइड वाइड इसको करनी रहती नहीं है। तो इसको जबलपुर की एजेंसी से तुझे पता चला ना? शोरूम से इसको पता चला कि दिल्ली में एक बाइक है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो इसको देखना था वो बाइक। बाइक देखना क्या, लेना ही था जो इसने कल ले ली, और मुझे करनी थी शॉपिंग, लेदर जैकेट वगैरह लेनी थी। तो इसको बाइक मिल गई और बहुत अच्छी बाइक है यार, मतलब मज़ेदार। क्यों तेरे को मज़ा आया है ना? मतलब कोई स्क्रैच नहीं है, आर्मी वाला बंदा था, उसने ज्यादा बाइक चलाई भी नहीं, तो एकदम नई बाइक मिल गई। 2018 मॉडल है ना? 18 नवंबर। हाँ 2018 नवंबर का मॉडल है, और लगभग कितनी चली है? 7000 चली है। लो भाई कंपनी रिकॉर्ड। तो अब आज करना है शॉपिंग और उसके बाद निकलने का प्लान है, और निकलने का ऐसा कुछ सीन है कि अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया है, तो शायद हम लोग बाइक से जाने वाले हैं कटनी। yes. तो वो जो सीन है वो आज हम लोगों का डिसाइड हो जाएगा क्योंकि हमारा लगेज वगैरह ज़्यादा है, तो उसके लिए सैडल बैग लेना है। मैं इससे बोल रहा हूँ कि सैडल बैग लेगा तो ही हम कटनी जा पाएंगे, नहीं तो हमें ट्रेन से ही जाना होगा। तो ले रहा है?
थोड़ा। चलो तो अभी यार भूख लगाई है बहुत ज्यादा, तो हम लोग जाके छोले भटूरे खाने वाले हैं। भाई दिल्ली के छोले भटूरे ना मतलब मजेदार। मैं पहले दिल्ली रहा हूँ 2011-12 में, तो मेरा तो यही नाश्ता था पूरे एक साल, मुझे बहुत पसंद है। तो कल भी मैंने दबा के खाए हैं और आज अभी समर जॉब पे चला जाएगा, उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे छोले भटूरे और वो खाएंगे। और फिर क्या क्या खाना है? अरे भरता का बैगन। अरे वो खाएंगे ना हम लोग, वो भी खाएंगे। भरता का बैगन भी खाएंगे और छोले के भटूरे भी खाएंगे। हाँ ये देखो ये सब लगे हैं। ये बंदा कटनी में ऐसी फेंकता है ना, ऐसी फेंकता है कि भाई ऐसा वैसा दिल्ली आओ मेरा फ्लैट में ये नौकर लगे। और यार ये देखो ये क्या कर रहा है, वेट का तो बताओ। इसके भोले छटूरे बन जाएं फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे छोले भटूरे खाने। ठीक है तो हम लोग रेडी होते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग, मैं हूँ शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैं दिल्ली आया हूँ, और दिल्ली आने का काम क्या है, मैं आया हूँ लेदर जैकेट लेने के लिए और अर्पित को लेनी थी बाइक। बाइक हमने ड्यूक 390 ले ली है और अभी समर के साथ फिर हम लोग जाएंगे लेदर जैकेट मार्केट। मुझे नहीं पता कहाँ है, मैंने बस उसको कुछ वीडियोज़ देख के बताए थे, तो उसको नॉलेज है मार्केट का। तो पहले तो वो जाएगा अपने ऑफिस, वहाँ से फ्री होगा वो और फिर हम लोग जाएंगे जैकेट लेने। तो कल से हम लोगों के चल रहे हैं मज़े, ड्यूक 390 उठा लिए और दिल्ली में दबा के हम लोग कर रहे हैं राइड। और आगे का प्लान बाइक से जाने का है या ट्रेन से, तो वो भी अभी प्लान चल रहा है ऊपर नीचे, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई देखो थोड़ा सा हम लोगों के उसमें और भी चीज़ें ऐड हुई हैं खाने में, जैसे कि ये चटनी बन चुकी है और रोटी तो बनानी थी, चटनी ऐड हुई है। और ये लोंडे ने देखो क्या मस्त मस्त लोई काटी है और यहाँ ये रोटी बना रहा है, सीख गया लड़का, इसको हमने भेजा था कटनी से, ये सीख चुका है। बहुत बढ़िया, क्या मलाई हाथ चल रहा है एकदम मक्खन। ढाबे में करता ना, सच बता ये देखो भाई क्या मस्त फूली फूली रोटी बनाई इसने। भाई साहब सीन ऐसा है कि कॉफी का जो है वो वर्जन 2 आने वाला है ना, वर्जन 2 इसलिए क्योंकि जो वर्जन 1 था उस पे लोगों को इतना ज्यादा मजा आया, इतना ज्यादा मजा आया, इतनी डिमांड आ रही थी कॉफी की ना कि मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मुझे फिर से उठाया गया, बोला कि भैया आप बाद में रेडी होना लेकिन पहले आप कॉफी बनाओ। तो ये हमारे ढाबे वाले भैया ने रोटीज बना ली हैं और ये एक लगा हमने नया लौंडा लगाया है जो बर्तन धोने का काम, जा भाई काम करना है, यहाँ क्या देख रहा है कैमरे में, जल्दी जल्दी दो। तो ये इसको बर्तन धोने के लिए लगाया और ये देखो ये दूध उबल रहा है और मैं बनाने जा रहा हूँ इस सदी की सबसे शानदार कॉफी। तो कहाँ है मेरे कॉफी बीन्स? अच्छा कॉफी बीन्स नहीं हमारे पास, कॉफी पाउडर ही है। तो बीन्स को भी क्या करते हैं, बीन्स के पाउडर ही तो बनाते हैं ना ऐसे ही। हाँ, एक वाली स्माइल भी देते हैं। हाँ, नहीं क्या ऐसी स्माइल से क्या होता, जो भी आपने बोला है ना वो सब संपला बराबर हो जाता है। तो मेरी कॉफी कॉफी बन रही है, मुझे बड़े दाने वाली शक्कर चाहिए। बड़े दाने वाली शक्कर कहाँ है? वो बंटी पे बड़े वाले, मैं इसको कहीं अच्छी जगह लगा दूं कैमरे को। एक्चुअली क्या है हमारा बजट थोड़ा कम है इसलिए हमारे पास डब्बे हैं स्टैंड के तौर पे, है ना। तो ये लग गया है, माय गॉड इतनी अच्छी कॉफी पता नहीं मैं कैसे बना लेता हूँ। देखो पागल हो गए लड़के एकदम, है ना, मदहोश हो गए तुम लोग मेरी कॉफी पी के। कैमरा तो एक जगह वहाँ बेहोश भी पड़ा है भाई साहब। तो ये मेरी कॉफी की ताकत,
ना, ये लड़का आज मुझे अपने पैसों से जैकेट दिला देगा, ये इतना खुश हो गया। ये दो बार बोल चुका है कि एक बार फिर से वैसी कॉफी पिला दे, ये दो जैकेट दिला देगा मुझे अपने पैसों से। तो भाई देखो, समर चला गया अपनी जॉब पे, मैं और अर्पित निकल रहे हैं, कुछ छोटे मोटे काम है वो निपटाएंगे, फिर जैकेट की शॉप जब जाएंगे तब आप लोगों से डिटेल में बात करते हैं। सब अभी आ गए हैं हम लोग जैकेट लेने के लिए मंत्रालय, ठीक है, समर के ऑफिस आए हैं। समर दिन में आ गया था खाना वाना खा के, और हम लोगों को बुलाया है यहाँ पे। तो दो जगह हम लोगों की चेकिंग वैकिंग हुई, मेरे बैग में टेस्टर भी निकला, मुझे लगा छाप ना लिया जाए यहाँ पे। और ये बैठे हैं हमारे समर भैया, और हम लोग कौन से विभाग में है, पशुपालन, मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय में, एक्स वाई जेड समझ गए आप लोग, हम लोग मतलब मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय में बैठे हुए हैं और थोड़ा धीरे बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का हो रहा है कि बाहर अंदर से कोई मंत्री वंत्री आ गया ना, तो मतलब समझ रहे हो ना, ब्लॉगर व्लॉगर सब चला जाएगा। तो अभी कॉफ़ी पियेंगे, फिर समर भैया छुट्टी लेंगे, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे जैकेट लेने। अगर इनकी दया रही तो आज हम जैकेट ले लेंगे। टाइम कितना हो गया अभी, पाँच। इसके पहले का जो भी टाइम रहा, तो ये बगल में ये बैठा है, ये खा गया है ना। तो मेरा अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, बस अभी घूम रहा है, हाँ, है ना। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग मार्केट, वहाँ जाते हैं, जैकेट देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो भाई दिन भर वेट करने के बाद और समर अपने ऑफिस से फ्री हुआ, उसके बाद मैं समर और अर्पित, अभी तेरा नाम क्यों बोल रहा हूँ मैं समर और अर्पित आ गए हैं लेदर शॉप पे। गुड, क्या नाम है भैया शॉप का, गुड लेदर पे हम लोग हैं और यहाँ पे कर रहे हैं शॉपिंग। ये जो एड्रेस है ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कहाँ से आना है कैसे आना है, वो मैं आपको लोकेशन इस पे मेंशन कर दूंगा। तो अभी कर रहा हूँ मैंने ये जैकेट पहन रखा है, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये पहना है जैकेट अभी मैंने। तो अभी बस ट्रायल शुरू हुआ है, पहले मैं एक बार आप लोगों को कलेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखो ये सामने दिख रहा है, ये पूरा कलेक्शन है, ये इस तरफ बहुत तगड़ा कलेक्शन है। ये देखो नीचे भी लाइन से जैकेट रखी हुई है, और ये इधर वो अर्पित लगा हुआ है अपने लिए जैकेट देखने में, और बाकी कलेक्शन इधर है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ अपने लिए, देखता हूँ क्या मुझे लेना है, बॉम्बर लेना है या नॉर्मल राइडिंग जैकेट पैटर्न में लेना है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। भाई गुड लेदर से अब मैं आ गया हूँ दूसरी शॉप पे भी है, शॉप का नाम क्या है, लेदर हब पे आ गया हूँ। गुड लेदर में एक्चुअली थोड़ा भीड़ भाड़ थी, और वहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे नहीं समझ में आ रही थी, कलेक्शन तो अच्छा था। तो अभी मैं दूसरी शॉप पे आया हूँ लेदर हब पे, और यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों को फटाफट मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ, और अगर जो जैकेट पसंद आती है तो फिर उसके बारे में प्राइस और डिटेल सब कुछ बताऊँगा। ये भैया के यहाँ का कलेक्शन है, आप देख रहे हो, ये भैया यहाँ पे मिलेंगे आपको शॉप पे, और ये चारों तरफ आप देखो ये पूरी जैकेट्स का शानदार कलेक्शन है यहाँ पे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं फिर।
भाई बहुत देर घूमने के बाद अब मैं एक अच्छी शॉप पे आया हूँ जहाँ मुझे फाइनली मेरे पसंद की जैकेट मिल गई है। और वो जैकेट अभी मैं आप लोगों को फिर से पहन के दिखाऊंगा कि कौन सी मैंने जैकेट ली। और यहाँ पे मेरा मूड बन रहा है दो जैकेट लेने का, एक तो फाइनल हो गई है और एक और अभी कोशिश जारी है एक अच्छी जैकेट लेने की। तो पहले भैया से बात करते हैं, शॉप का नाम और डिटेल जो भी है फाइनल जहाँ से मैंने जैकेट ली है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भैया क्या नाम है शॉप का अपने? ये सर कस्टम लेदर के नाम से शॉप है हमारी। ठीक है, और क्या एड्रेस पड़ता है? न्यू दिल्ली भीका जी के पास पड़ता है, मोहम्मदपुर राम मंदिर वाली गली में शॉप है। ठीक है, नियरेस्ट मेट्रो भीका जी। हाँ, नियर मेट्रो स्टेशन जो है भीका जी कहाँ प्लेस है, 3 नंबर गेट से बाहर निकलना है। ओके, और 2 मिनट की दूरी पे सर ये हमारी शॉप पड़ती है। ठीक है, तो भाई जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा। एक बार मैं कलेक्शन दिखाता हूँ भैया की शॉप का। भाई लोग एक जैकेट मैंने ये फाइनल की है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, स्वेट लेदर है ना भैया? जी हाँ, स्वेट लेदर है। एक ये जैकेट मैंने फाइनल की है, ये बाइकर जैकेट है और इसका कलर और लुक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसा मैं जबलपुर में, हमारे यहाँ जबलपुर कटनी में बहुत ज्यादा डस्ट और वो होती है, इसलिए मैंने डार्क कलर नहीं लिया और इस पर ज्यादा डस्ट दिखेगी भी नहीं। तो एक ये है और और एक सेकंड और मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ उठाना वो दूसरे जैकेट पे डालो। तो इस जैकेट पे आ गया मजा, बहुत ही प्यारी जैकेट लगी मुझे। और एक दूसरी जैकेट ब्लॉग की समर भैया वीडियो बना दो समर भैया। और दूसरा है ये बॉम्बर जैकेट, तो मुझे ये लेना था पर मुझे पहले से प्लान नहीं था कि मुझे बॉम्बर लेना है या बाइकर लेना है, मैंने दोनों जैकेट ली है। और ये प्लेन ब्लैक है। समर तुझे क्या स्टिकर वाली अच्छी नहीं लग रही थी? पहले एक स्टिकर वाली जैकेट है भैया के यहाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर किसी को थोड़ा फंकी जैकेट पसंद हो ना तो वो ले लेना। और मुझे समर ने वो जैकेट लेने नहीं दी है क्योंकि उसका ये था कि एक प्लेन जैकेट लो, मैंने दूसरा ये लिया है और इसका भी काफ़ी अच्छा फिनिश और फील है। मतलब मुझे ये थोड़ा सा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये मुझे थोड़ा फ्री फील हो रहा है ना, और फिटिंग भी ऐसा कहीं से ज़्यादा लूज या वो नहीं है। तो ये दो जैकेट मैंने फाइनल की है और भाई यहाँ पे रेट आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, कलेक्शन भी आपको अच्छा मिलेगा। और मैं भैया से, आप लोग जो मिल चुके हो, दो भाई लोग और हैं जो वीडियो में आपने देखा, ये आपको यहाँ मिलेंगे और आपको बढ़िया जैकेट मिलेंगे। हाँ, ये है वो जैकेट जो मैं पहले ले रहा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर ये जो स्टिकर्स लगे हुए हैं इसकी वजह से, पर ये समर ने मना किया। तो और भैया ये भी बता रहे हैं कि जैकेट आपकी कस्टमाइज हो जाती है, मैं इस जैकेट पे भी स्टिकर लगवा सकता हूँ क्यों भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक साल में इसको ऐसे ही पहनूंगा, नेक्स्ट ईयर समर तू ही लेके आएगा इस पे स्टिकर लगवाने। ये जैकेट देख लो, बहुत शानदार जैकेट है और बढ़िया रेट पे आपको यहाँ मिल जाएगी। ये भैया लोग भी आए यहाँ पे, ये भी यही जैकेट ले रहे हैं, बाइकर जैकेट ले रहे हैं। आप दोनों सेम कलर ले रहे हो, कैसी लग रही है जैकेट आपको? तो देखो भैया, आपको कस्टमर रिव्यू भी मिल गया, मेरे बस कहने पे मत आओ। भैया लोग का भैया कलेक्शन कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अल्टीमेट कलेक्शन है। चलो ये देखो सेम जैकेट है, पर भैया लोग शायद आप लोग दिल्ली से ही हो? हाँ, तो यहाँ धूल कम है इसलिए आप लोग ही यूज कर। ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हाँ फर की वजह से, और दूसरा मुझे कलर ये थोड़ा डिफरेंट लगा इसलिए मैंने ये लिया, और ऐसा कलर दूसरी पैटर्न में मेरे पास है तो अच्छा लग रहा है। होता सर हमारे पास जो ऑल टोटली वैरायटी होती है, हम गारंटी के साथ काम करते हैं। ओके, जैकेट की हमारी हर तरीके से गारंटी रहती है, प्योर लेदर की। प्योर लेदर है, अगर कोई साबित कर दे कि प्योर लेदर नहीं है तो सर लाख रुपए इनाम है हमारी शॉप पे और जैकेट फ्री है। लो भैया, और क्या चाहिए? और जैसे कि रैक्सीना पत्ती उतर जाती है, अगर हमारी जैकेटों में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए 5 साल के बाद भी, तो जैकेट यहाँ ले आओ, नया पीस ले जाओ। बहुत बढ़िया, ठीक है।
और जैकेट्स आप कस्टमाइज भी करवा देते हो है ना, अगर किसी को अपने साइज पे बनवानी है किसी भी डिजाइन की सर बना भी देते हैं। ओके, और जैसे कि कस्टमर जो हमारे शॉप पे नहीं आ सकते सर, उनके लिए हमने कोरियर के हिसाब से भी जैकेट भेजते हैं, तो वो आपको कॉल कर लें और आप सारी चीजें अरेंज करा दो। हम उनको अपने डिजाइन दिखा देंगे सर, जो जैकेट उनको पसंद आएगी वो जैकेट उनके मेजरमेंट के हिसाब से बना भी देंगे। ओके, और जो हमारे पास होगी तो वो हाथों हाथ कोरियर से उनके एड्रेस पर पहुंचा भी देंगे। पेमेंट पहले देना पड़ता है, कोरियर से जैकेट पहुंचा देंगे। तो भाई अब हो रहे हैं बहुत ज्यादा लेट, 10 बज गया है और हम लोगों को और भी कुछ काम है जो करने हैं, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, भैया को पेमेंट करते हैं और आप लोग आओ, बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे। मैं भैया का कार्ड अभी आपको जो भी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ नीचे डिटेल में आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, तो आप बाकायदा कॉल करो। और बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पे भैया की और कलेक्शन भी बहुत तगड़ा है। भाई शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट हो गई, हम लोग वहाँ से निकल आए हैं और उसके बाद मुझे एक और फ्रेंड से मिलना था, कुणाल, तो कुणाल भी साथ में आ गया और अभी हम लोग गुड़गांव में और यहाँ से जा रहे हैं कुछ खाने वाने, और बाकी की चीज़ें जो भी डिटेल है मैं सुबह बताऊंगा आराम से, उस ब्लॉग को हम सुबह ख़त्म करेंगे। तो ये है भाई अपना कुणाल और ये है समर, इसको तो आप लोग जानते हो, और ये भाई हमने अनुज भाई। तो भाई यहाँ से निकलते हैं और बाकी की बातें आराम से करते हैं सुबह, ठीक है। रात को हम लोग जैकेट लेने के बाद कुणाल के साथ घूम रहे थे, गुड़गांव वगैरह गए घूमने और काफ़ी लेट हो गया था, फिर मैं आके सोया और 4:30 बजे सोया हूँ और सुबह 8 बजे उठ गया, क्योंकि अर्पित मेरे साथ नहीं था, अर्पित गया था अपने दूसरे फ्रेंड के अमोल के साथ, तो उसको लेने गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ और छोटे छोटे हमारे काम बचे हैं वो करने के लिए, और कल जो मैंने जैकेट ली थी उसमें से एक जैकेट मैंने पहनी है, और जहाँ से कल मैंने जैकेट ली है अच्छी शॉप है, उसका पूरा डिटेल मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से कॉल पे भी बात कर सकते हो, और कलेक्शन भी उनके यहाँ बहुत अच्छा, रेट भी बहुत अच्छे लगाए उन्होंने, और सबसे अच्छी बात तो उस बंदे का नेचर बहुत अच्छा था जहाँ से हमने ये जैकेट ली है। 2-3 शॉप में गया था पर वहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कलेक्शन तो लगभग सब जगह सेम ही है पर लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था जितना इस बंदे के यहाँ जहाँ से मैंने जैकेट ली। मुझे एक जैकेट लेनी थी पर मैंने 2 जैकेट ले ली और मुझे दोनों जैकेट बहुत अच्छी लगी हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जैकेट्स आपने देखी हैं कि कैसी लग रही हैं। और आगे का सीन ये है कि आज कुछ काम करने के बाद कल हम लोगों को निकलना है यहाँ से कटनी के लिए, तो अभी हम लोगों ने डिसाइड ये किया है, मतलब मैंने और अर्पित ने, कि कल हम बाइक से जा रहे हैं कटनी, तो कितने टाइम निकलना है क्या है वो आज के काम पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितने टाइम तक रात में फ्री होते हैं, उसके हिसाब से सुबह निकलेंगे। तो अगर बाइक से जा रहे हैं तो कल का एक और व्लॉग बनेगा दिल्ली टू कटनी, तो वो एक और व्लॉग अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो आज के वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।